मध्य प्रदेश में सीएम शिवराज के आदेश पर अतिक्रमणकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है, लेकिन झाबुआ जिले में सीएम के आदेश का असर देखने को नहीं मिल रहा है, जिसके चलते अतिक्रमणकारियों के हौसले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसका खामियाजा वाहन चालकों को भुगतना पड़ता है। झाबुआ जिले के पेटलावत तहसील के अंतर्गत ग्राम पंचायत बामनिया के बीच चौराहे पर सीमेंट से लदा ट्राला बीच चौराहे पर फंसने से चौराहे पर यातायात अवरुद्ध हो गया। झाबुआ जिले का मात्र बड़ा रेलवे स्टेशन होने से यहाँ पर यातायात ट्रैफिक हमेशा रहता है। आए दिन यहाँ पर चौराहे पर ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी रहती है, बावजूद प्रशासन का उदासीन रवैया बरकरार है। ग्रामवासियों का कहना है कि कई बार शासन प्रशासन से सड़क से अतिक्रमण हटाने की मांग की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। ग्राम पंचायत बामना की दुकान का मामला 2018 से ही विवादित था। तत्कालीन समय में 2018 में हर्षद पलचौली एसडीएम पेटलाव द्वारा आईएएस अधिकारी रहे थे, जो उनके द्वारा जो ग्राम पंचायत ने अनुमति मांगी थी, उस संबंध में ग्राम पंचायत की दुकान आज निर्माण कर रखा ग्राम पंचायत ने अवैध तरीके से, उसमें यह खुद विवादित स्थल पे आए थे, उन्होंने अनुमति खारिज कर दी थी, जबकि आईएएस अधिकारी थे वो। उसके बाद में उनके आदेशों को पलटते हुए तत्कालीन एमएल मालवी जो एसडीएम रहे, उनके द्वारा केवल लेआउट के आदेश दिए गए थे, निर्माण के आदेश नहीं दिए गए थे। उसके बाद में भी 11 दुकानों के लेआउट का आदेश दिए गए, वो 13 दुकानें निर्मित कर दी। आदेशों के भी विरुद्ध भी ग्राम पंचायत ने काम किया, और ये एमपीआरडीसी ने भी कहा उस पत्रों के माध्यम से 31/6/2020 को कि ये मामला जो है, आपने जो दुकानें का निर्माण आप कर रहे हो, ग्राम पंचायत कर रही है, तो उसमें ये हमारा शोल्डर का भाग है और इसपे यानी खतरनाक मोड़ है, शोल्डर का भाग है और चेनेज 48.800 किलोमीटर पर आप तत्काल निर्माण कार्य रोके। उसके बावजूद भी ग्राम पंचायत ने इसका निर्माण नहीं रोका गया। इस संबंध में कलेक्टर झाबा को भी अवगत कराया था, एसडीएम पेटलावत को भी अवगत कराया था, उस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं हुई है और आज ये बड़ा हादसा हो गया है। यहाँ पे रात को ट्राला फंस गया था, क्या कारण है कि बामनिया में पर्याप्त मात्रा में आसपास वाहन निकलने के लिए जगह पर्याप्त मात्रा में नहीं है क्या? पर्याप्त मात्रा में जगह है, लेकिन जो ढालिए और खुला गाड़ी और ये लोग आके बाइक वगैरह आसपास रख देते, इस कारण चक्का जाम की पोजीशन हो जाती है, दो वाहन आसानी से निकल नहीं सकते, इस कारण ये स्थिति उत्पन्न हुई है। ये हमेशा रहता है ऐसा चक्का यहाँ पर? हाँ, ये हमेशा ही रहता, हमने प्रशासन को कई बार अवगत करा दिया है कि आप यहाँ पे ठेला गाड़ी और ये चौमुखी चौराहे पे लगी रहती है, इनको हटाया जाए, और ऐसा हमने प्रतिवेदन बना के आज जनपद एवं तहसीलदार महोदय एसडीएम साहब को पहुँचा दिया गया है। आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि जो मुख्य चौराहे पर जो अतिक्रमण है, तो जो ऐसे करके ठेला गाड़ी वगैरह से मार्ग अवरुद्ध करते हैं, उनको हटाया जाए, जिसके कारण वाहन का आवागमन आसानी से हो सके। पूरा नाम आपका? ब्रजभूषण सिंह परियार। क्या है आप पंचायत? मैं उप सरपंच बामनिया। झाबुआ से शाबिर मंसूरी की रिपोर्ट।